प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से सरोबार हो गए हैं। निचले इलाकों में मेघ जमकर बरस रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू में पिछले दो दिन से बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। यह बर्फबारी बारिश राहत के साथ लोगों के लिए परेशानियां लेकर आई है। कड़ाके की ठंड से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तथा घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कांगड़ा चंबा जिला शीतलहर के चपेट में है। पर्यटन स्थल डलहौजी में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने बर्फबारी का खूब आनंद भी लिया। जिले में बारिश का क्रम जारी है। चंबा जोत चुवाड़ी मार्ग भारी बर्फबारी से बंद हो गया है, तो वहीं काबियाली क्षेत्र भरमोर तथा पांगी में ताजा बर्फबारी होने से पारा नीचे लुढ़क गया है। पांगी घाटी की बात करें तो दो दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन पटरी से उतर गया है। पांगी के ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तो वहीं निचले क्षेत्रों में करीब 1.5 फीट बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों में वर्षा और बर्फबारी का क्रम आगे भी जारी रहेगा। मुआज है और मैं मुंबई से हूँ, तो हम लोग अभी खजियार जा रहे थे। हम लोग टूर से आए थे तो अभी खजियार जाने का रास्ता बंद हो गया, तो हम लोग सबका मूड ऑफ हो गया क्योंकि फोटो वोटो करना था, पैराग्लाइडिंग करना था। बट अभी हम लोग वापस आ रहे हैं तो हम लोग को मजा आ रहा है। ठंडी तो लग रही है बट स्नोफॉल एक बार चाहिए था लाइफ में, तो स्नोफॉल मिल गया तो बहुत मजा आ रहा है। ठंड तो बहुत है, ऊपर काफी स्नोफॉल है, सारे रास्ते गाड़ियां स्लिप हो रही है और रोड भी बंद हो गए। मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है एंड मैं लुधियाना से आई हूँ। डलहौजी हम लोग अपने मम्मा का बर्थडे मनाने आए थे फैमिली वेकेशन के लिए। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि डलहौजी में स्नोफॉल होगी, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल हुई, हमें बहुत मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। आई रिकमेंड एवरीवन टू कम टू डलहौजी इन विंटर्स टू एंजॉय स्नोफॉल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर, सबको आना चाहिए। वी रिक्वेस्ट ऑल टू कम हियर। हम ऊपर खजियार तो जा नहीं पाए टू प्रमोट हिमाचल टूरिज्म। मेरा नाम प्रिंस है, मैं डलहौजी से लोकल हूँ। मेरी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, तो हम अभी डलहौजी से खजियार जा रहे थे। यहाँ पर बर्फबारी हुई है जो कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है, और रोड बंद हो चुके हैं खजियार के, तो आप डलहौजी ज़रूर आइए बट ऊपर आने का रिस्क मत लीजिए लक्कड़ मंडी, बिकॉज इट्स वेरी हैवी स्नो। और बस ये है कि आप टूरिस्ट के लिए इट्स वेरी नाइस बूस्ट टूरिज्म। मेरा नाम है मिसेस कुमुद शर्मा, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। ये मेरे को एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। डलहौजी में इतना अच्छा वेदर है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी स्नो मिलेगी। बहुत मज़ा आ रहा है, हर एक को इस वेदर में आना चाहिए, यहाँ स्नो खूब इन्जॉय करना चाहिए। डलहौजी में मेरी दिली तमन्ना थी मैं एक बार अपनी वाइफ को डलहौजी लेके जाऊँ और बर्थडे मनाऊँ और बर्फ पड़ रही हो उस टाइम मनाऊँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है डलहौजी में घूम के, बहुत अच्छा लग रहा है डलहौजी में। डलहौजी का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी स्नो एक्सपेक्ट की नहीं थी, जितनी मिल गई मिल गई, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ अपने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।